नितिन गुजरात इंडिया से। आज मेरे पास बोलेरो BS6 2021 का मॉडल आया हुआ है, और कस्टमर का ECM ख़राब हो चुका था। ये वाला कस्टमर का है, गाड़ी का है, और मैंने मेरा दूसरा डाल दिया है। कस्टमर बोल रहा है मुझे रिपेयरिंग नहीं करना है, मुझे दूसरा ही डालना है। तो आफ्टर मार्केट में से लेके मैंने दूसरा डाला हुआ है। अब इसको मैं करूँगा इमो रीड। इग्निशन ऑन किया, हम गए DP5 में, फिर गए कार इमो में, इसमें जाएंगे महिंद्रा में, ये गए महिंद्रा में लेटेस्ट वर्जन, अपनी बैटरी 11.5 वोल्ट होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलती इसमें। BS6 में गया, ब्लेड बोलेरो, अब रीड इमो और रीड ECU पिन कोड। अब ECU का तो पिन कोड मैंने निकाल लिया है लैपटॉप में से, लेकिन अपने को इमो का कोड निकालना पड़ेगा। अब इसमें लिखा हुआ था रीड ECU कोड, रीड इमो कोड, हम जाएंगे इमो में। इमो में गए, देखो स्टार्ट हो गया है। अभी ये कितनी देर चलेगा वो कोई नक्की नहीं है, 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, 12 घंटा भी लग सकता है, 24 घंटा भी लग सकता है, कोई नक्की नहीं है कब तक ये होगा। अपना रीड चालू हो गया है, टाइम का कोई नक्की नहीं है। मीटर में लाइट कभी कभी बिलिंग करती है ताले वाली, कोई भी अपना मैकेनिक भाई हो, कोई भी हो, BS6 जब साबी आपको बनानी हो या दूसरी साबी आपको नई लगानी हो, ECM चेंज करना हो, इमो चेंज करना हो, तब एक बात का ध्यान रखे, कस्टमर्स को आपको बोलने का है भाई इसमें टाइम लगेगा, 1-2 दिन में काम नहीं होता है इसका, कम से कम आपको 3 दिन का तो टाइम लेना ही है। ये बोलेरो BS6 में कभी भी वो मत करना कि चलो भाई 1-2 घंटे में हो जाएगा, बाकी कोई 2 घंटा लेता है, कभी 3 घंटे में हो जाता है, कभी 12 घंटे में भी नहीं होता है। बोलेरो BS6 का काम वो याद रखना बस।